नमस्ते दोस्तों, मैं मोरेवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुशीला टागभुरी की जरा समझो यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले हम पात्र देख लेते हैं। पात्रों में पहला आता है अजय, जो एक ऑफिस में काम करता है। अजय का मैनेजर है, मैनेजर साहब। अजय के बाद आता है विजय यादव और खेमचंद राठौड़ नामक ऐसे दो पात्र आते हैं जो दूसरी जाति के हैं, और अजय और मैनेजर साहब एक ही जाति के यानी ब्राह्मण जाति के हैं। वैसे कोकणस्थ ब्राह्मण जाति का होने का यहाँ जिक्र जो लेखिका ने किया हुआ है। कहानी की जो शुरुआत हम देखते हैं कि यहाँ पर श्री राम के नारे लगाने वाला या श्री राम की घोषणा करने वाला हॉर्न जो गाड़ी को लगाया हुआ है, अर्थात यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है, अपने अपने जाति का एक सूचक या संदेश सूचक या उसका प्रमाण देने वाला जो संदेश है वही हमें गाड़ियों के माध्यम से आजकल दिखाई देता है। और लेखिका ने नागपुर में स्थित होने के कारण वहाँ के वातावरण पर ये कहानी लिखी है, और उसमें कहा है कि जिस तरह गाड़ी को हॉर्न लगाए हुए हैं और एक ऑफिस का कर्मचारी होने के नाते अजय को और उसके मैनेजर साहब में दोनों की एक ही जाति होने के कारण हमेशा बातें होती रहती है, और अजय को हमेशा ये बताया जाता है कि तुम कोकणस्थ ब्राह्मण हो और इसका अभिमान तुम्हें होना चाहिए, और कोकणस्थ ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें अभिमान इस तरह होना है कि अपने निचली जातियों के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष होना चाहिए, अर्थात निची जाति के लोगों के साथ हंसना खेलना बोलना या बातें करना ये तुम्हें करना नहीं है। अगर किया तो भी एक तरह की जो बीच में दूरी या दरार होती है वो होनी चाहिए, अपनी अपनी जाति का अभिमान होना चाहिए, ऐसा कहा है। और हमारे यहाँ पर जैसे वर्ग के आधार पर समाज का बंटवारा हो गया था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शैव, इस तरह जो बंटवारा हुआ था उसी के आधार पर यहाँ मैनेजर साहब की जो बुद्धि है या मैनेजर साहब के जो विचार है अजय के प्रति झुकते हैं, लेकिन दूसरे जो नीचे जाति के काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके प्रति उनका रवैया थोड़ा सा अलग हमें दिखाई देता है। लेखिका ने यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि जिस तरह हम जातिवाचक सूचक शब्दों का जिक्र करते हैं या बोलते हैं, इससे हम जाति भेद देख सकते हैं या समाज में कितना जाति भेद आज भी है ऐसा पता चलता है। तुरंत हम समझ जाते हैं कि अगर किसी ने श्री राम का नारा लगाया तो वो हिंदू है, अगर कोई जय भीम का नारा लगाता है तो वो बौद्ध है। इसके आधार पर हम एक दूसरे को बांटते हैं, लेकिन अजय इस वर्ग का, मतलब अजय ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्राह्मण होने के बावजूद भी अजय यहाँ प्रगतिशील विचारधारा को लेकर चलता है, उसके विचार प्रगतिशील है, वह आज की बात करता है क्योंकि समाज बदल गया है, तौर तरीके बदल गए हैं और आज समाज में बहुत बदलाव आ चुका है। अभी उतना भेदभाव नहीं रहा, फिर भी कुछ लोग अपनी ही जाति को अपने ही धर्म को अभी भी चिपके हुए हैं, अभी भी उन्हीं पुरानी विचारों को लेकर जीते हैं। ऐसे विचारों के प्रति अजय का जो रवैया है वो बदलने जैसा है। अजय कहता है कि ऐसे लोगों को बदलना चाहिए व्यवस्था के साथ या समाज के साथ। और अजय यहाँ एक तरह से मैनेजर साहब अपने से बड़े अधिकारी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं है कि बार बार तुम कोकणस्थ ब्राह्मण हो या ब्राह्मण होने का तुम्हें अभिमान होना चाहिए, ऐसी बातें अगर वो सुनता है तो उसे बुरा लगता है। उसके बारे में वो विपरीत जो है सवाल जवाब भी करता है, उसका उत्तर भी देता है, हालांकि ये बातें उसे पसंद नहीं है। इसी ऑफिस में काम करने वाले जो खेमचंद राठौड़ है या जो विजय यादव है, ऐसे जो पात्र हैं जो निम्न जाति के हैं, लेकिन खेमचंद निम्न जाति का होने के कारण उसके हाथ का कोई पानी पीना नहीं चाहता, अगर पीता भी है तो उसको पूछा जाता है कि तुमने हाथ अच्छी तरीके से धोए थे या नहीं, या किस तरह जाति के आधार पर सामने वाले व्यक्ति को परखा जाता है और तुलना की जाती है, इसका संकेत भी हमें मिलता है। मतलब जो सवर्ण जाति
है और सवर्ण जातियों के माध्यम से निम्न जातियों के लोगों का किस तरह शोषण हुआ है, ये भी हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। खेमचंद जो अपने मैनेजर साहब को पानी देता है या उनके बहुत सारे काम करता है, उनको बातों ही बातों में पूछता है कि जिस तरह गोहाना कांड है या जो गुजरात वाला कांड हो गया था 2002 का, इन सभी कांडों के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा वो जिक्र भी करता है और पूछता। हालांकि इसके बारे में उसे पहले से ही बहुत सारी जानकारी है, लेकिन इस जानकारी के बारे में या इस कांड के बारे में मैनेजर साहब किस तरह अपने विचार प्रकट करते हैं या किस तरह अपनी राय देते हैं, ये भी वो देखना चाहता है। और यहाँ पर ये एक बात स्पष्ट है कि विजय यादव हो या खेमचंद हो या और कोई हो जो दूसरी जाति का हो, अपने से बड़े, अपने से उच्च जाति के जैसे कि मैनेजर साहब हैं, उन लोगों को अपने जाति का जिस तरह अभिमान है, उस जाति के आधार पर वो दूसरों को कैसा निम्न या तुच्छ समझते हैं, इसको ठिकाने पर लाने का काम लेखिका ने किया है। लेखिका यह बात यहाँ पर स्पष्ट कर देती है कि एक ही जाति के होने के कारण अजय और मैनेजर साहब दोनों में कितना अंतर है। अजय प्रगतिशील विचारधारा को लेकर आता है, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का प्रभाव अजय पर काफ़ी है, वो सभी को एक तरह से व्यवहार रखता है और कर्मचारी वर्ग जो दूसरा है, तो अजय के प्रति उसकी विचारों के प्रति उन कर्मचारी वर्ग में अभिमान है, वो अजय को अच्छा समझते हैं, लेकिन मैनेजर साहब के पीठ पीछे वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। यहाँ ये एक बात स्पष्ट होती है, कुछ लोग अपने ही पुरानी बातों को लेकर जीना चाहते हैं और जीते भी हैं, जिस तरह मैनेजर साहब हैं। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि खेमचंद ने, जैसे मैंने कहा कि गोहाना कांड हो या गुजरात का कांड हो, इसके बारे में पूछता है कि जाति जाति में भेदभाव होने के कारण झगड़े बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ने के कारण कांड होते हैं और इसी कांडों का परिणाम लोगों की हत्याएं होना या लोगों की जानें चले जाना या बहुत सारे लोगों की लाशें गिरना, यह हुआ था कांड में। और इन कांडों का, इन प्रकरणों का उदाहरण देते हुए लेखिका ने इस कहानी में ये बताया है कि कभी भी कुछ भी दलित वर्ग में या सवर्ण वर्ग में होता है तो हमेशा दोषी दलित वर्ग को ही समझा जाता है। जैसे मैनेजर साहब समझाते हैं कि हमने नहीं कुछ किया था, उन लोगों ने ही पहले कुछ किया था, इसलिए वो कांड हुआ, ऐसी घटना हुई, ऐसा वो बता देते हैं। हालांकि उस घटना के बारे में खेमचंद जानते हैं, खेमचंद ने टीवी पर भी देखा था, न्यूज़पेपर पर भी पढ़ा था, और उस घटना में सवर्ण लोगों ने किस तरह दलितों का शोषण किया था, दलितों के लोगों को अपमानित किया था, पीड़ित किया था, जिस कारण ये प्रकरण या ये घटना हुई थी, ये बारे में वो जानता है। फिर भी ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ऑफिस में जिस तरह काम करते समय भी कुछ लोग उनके लोगों उन लोगों के या निम्न जाति के लोगों के हाथ से पानी पीना नहीं चाहते। मैनेजर साहब विजय को कहता है कि कम से कम मेरे जो कैबिन में तुम पानी लेकर आया करो, खेमचंद को मत भेजा करो। लेकिन विजय के पास बहुत सारा काम है और आमदनी कम है और कर्मचारी वर्ग कम होने की वजह से उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, और खेमचंद को भी हम निम्न जाति के होने के बावजूद भी आज समाज परिवर्तन की वजह से ऑफिस में लोगों को पानी पिलाने का काम वो कर रहा है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम करना शुरू किया था, तत्कालीन समय में कोई उनको पानी तक पीने नहीं दे रहा था या पानी को छूने तक नहीं दे रहा था। आज वही स्थिति उनके ही कारण आ चुकी है, समाज परिवर्तन हो गया है, दलित वर्ग के लोग सवर्ण लोगों के बराबर बैठ के पानी पी रहे हैं या उनको पानी पिला रहे हैं। यही संदेश इस कहानी के माध्यम से मिलता है। विजय है जिस तरह, वो भी कर्मचारी है काम करने वाला, और विजय हो, खेमचंद हो या अजय हो, तीनों भी मैनेजर साहब के पीछे जो है बातें करते हैं, खुलकर बोलते हैं, खुलकर हंसते हैं। और यहाँ पर जो हॉर्न का उदाहरण मैंने दिया था कि आजकल बहुत सारी गाड़ियों पर जैसे स्टिकर लगाना, नाम लिखना या हॉर्न लगाना, ये अपने अपने जाति के धर्मों के आधार पर उसका सूचक या संकेत मात्र
वो लिखा जाता है, हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये बौद्ध का है या ये जो क्षत्रिय है या ये ब्राह्मण है या ये कोई अलग जाति का है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अपने अपने जाति के आधार पर लोगों ने अपने अपने जो महामानवों को इन्होंने बांट लिया है और उसी के आधार पर इनका आचरण आजकल हो रहा है, और इसी का आधार बनाकर इन्होंने यह कहानी लिखी, कहानी लिखी है। कहानी में अंततः यही दिखा है कि वो जो हार्न है, अभी परिवर्तन होने के कारण अब वो हार्न बंद हो गया है। अगर इधर श्री राम के नारों का हॉर्न बजने लगा तो दूसरी तरफ जय भीम के नारों का हॉर्न बजेगा, और ये परिवर्तन है। और दोनों हॉर्न बजेंगे और दोनों के हॉर्न के हिसाब से हमें पता चल जाएगा या समाज को ये पता चल जाएगा कि ये हिंदू का है भक्त और ये बुद्ध का भक्त है या बुद्ध के अनुयायी हैं या बुद्ध के शिष्य हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अपने धर्मों के अलावा या अपने जाति के अलावा लोगों को आजकल कुछ भी नहीं सूझ रहा है, और ये जाति आज भी चिपकी हुई है। इसी जाति को मद्देनजर रखते हुए लेखिका ने जरा समझो, क्योंकि समझने की बात है कि हमें जाति कहीं दिखानी है या नहीं दिखानी है। जाति तो हमारे साथ आएगी ही, हमेशा वो हमारे साथ ही रहेगी, हम चाहे कितना भी उसे निकालने की या निकाल कर फेंक देने की कोशिश करें तो भी जाति हमसे नहीं नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है ना, जो जाति नहीं वही जाती है। तो यहाँ पर एक बात जो स्पष्ट करने जैसे है कि जाति जो है या जाति के आधार पर किया जाना वाला जो भेद है, भेदभाव है, इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। यही समझने की बात है कि अगर आप लोग मैं कट्टर हिंदू हूँ यही कहेंगे तो दूसरा सामने वाला उठ कर बोलेगा कि मैं कट्टर बौद्ध हूँ। तो यहाँ कट्टरता की बात छोड़ के हमें एक मनुष्य के रूप में जीना है या मनुष्य रूप में देखना देखना है। जैसे अजय ने कहा है कहानी में कि मैं सिर्फ इंसान को महत्व देता हूँ, मेरी नज़र में इंसान का ही ज़्यादा महत्व है न कि जाति का। मतलब यहाँ इंसान ज़रूरी है, जाति नहीं है, और जाति के आधार पर हमें बांटना नहीं है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। अगर इंसान है तो वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, वो इंसान होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत को ज़्यादा महत्व यहाँ लेखिका ने दिया हुआ हमें नज़र आता है। जो प्रगतिशील विचारधारा को लेकर चलने वाला अजय जैसा ब्राह्मण भी है और मैनेजर साहब जैसा दक्षिणसी परंपरा को मानने वाला या उसको ओढ़ने वाला या चलाने वाला पात्र जो मैनेजर साहब भी है, तो एक ही जाति के होने के कारण दोनों में कितना भेद है, यहाँ पर ये बात लेखिका ने स्पष्ट की है। क्योंकि समाज में स्थित जो जाति परंपरा है या भेद है, इसी को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है, और एक कहानी जैसे प्रगतिशील बन गई है, क्योंकि बदलना सबको है लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, और इसी शुरुआत को लेखिका ने अपने कहानी के माध्यम से की है। ज़रा समझो, मतलब समझने की बात है कि भेदभाव कहाँ करना है और कहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।